हर वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका यही सपना होगा, उनका यही गोल होगा कि मैं इस बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करूं, जिसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहे होंगे, अपना 100% एफर्ट दे रहे होंगे। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स मेहनत तो बहुत करते हैं एग्ज़ाम के लिए, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता जितना कि वो उम्मीद करते हैं। और वहीं जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो वो लिमिटेड पढ़ाई में ही टॉप कर जाते हैं। आपने देखा होगा जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो एग्ज़ाम के टाइम में कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, ना ही टीवी देखते हैं, ना ही कोई गेम खेलते हैं, ना ही दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और वहीं टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ करने के बावजूद एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं, और हम जैसे स्टूडेंट सिर्फ एक एवरेज सा मार्क ला पाते हैं। आखिर कैसे एक टॉपर इतने लेस एफर्ट के बावजूद एग्ज़ाम में टॉप कर जाता है? आखिर क्या है उनकी पढ़ाई करने का स्ट्रेटजी? तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे एक टॉपर स्टूडेंट्स पढ़ाई करता है, आखिर क्या होता है उनकी पढ़ाई करने का स्ट्रेटजी, आखिर क्यों वो इतने लेस एफर्ट के बावजूद एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं। तो मैं अंकित आनंद आपका स्वागत करता हूं मित्रों आपके अपने YouTube चैनल शुद्ध नॉलेज में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो पहला तरीका है एग्ज़ाम में टॉप करने का, वो है लेस स्टडी बट इफ़ेक्टिव स्टडी। मतलब आप कम पढ़ाई करें बट अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करें। ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में 5-5 या 10-10 टॉपिक ख़त्म करें, आप एक दिन में 1 या 2 ही टॉपिक ख़त्म करें, लेकिन आप उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ करके अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर करके ख़त्म करें। जब तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आप दूसरी टॉपिक पर मत जाएं। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं, भले ही थोड़ा कम पढ़ते हैं लेकिन जितना भी पढ़ते हैं उसमें अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर रखते हैं। और अगर आप अपने किसी अच्छे टीचर से भी पूछने जाओगे ना, तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि आप जितनी भी पढ़ाई करो आप इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाई करो। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में किसी सब्जेक्ट को मन लगाकर या अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए ज़्यादा पढ़ाई करने के बजाय ना इफ़ेक्टिव पढ़ाई पर ध्यान दें। मतलब आपसे उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि उसमें क्या था, भले ही आपको वर्ड टू वर्ड याद ना हो लेकिन आपको ये पता है कि उसमें क्या है, उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो अगर आपको ये पता है कि उसमें क्या है। आगे जो दूसरा पॉइंट है, रेगुलर क्लास करें। देखिए, रेगुलर क्लास करने से क्या होता है कि आपको अपनी सिलेबस का पूरा नॉलेज मिलता रहता है कि कौन सी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस की और कौन सी टॉपिक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस में। और एक टॉपर अपने हर क्लास में रेगुलर होता है और वो हर सब्जेक्ट को बराबर महत्व देता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना होगा, फिर चाहे वो कोई इंटरेस्टिंग क्लास हो या फिर कोई बोरिंग क्लास हो। हो सकता है टीचर जो भी क्लास में पढ़ा रहे हो वो आपको पहले से ही आता हो, इसलिए आपको वो क्लास बोरिंग लग सकती है, या पढ़ाने वाला टीचर बहुत ज़्यादा स्लो, इससे भी आपको क्लास में बोरियत महसूस हो सकती है। लेकिन चाहे जो भी हो, वो टीचर क्लास में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आपको टॉपर बनने के लिए ना छोटा से छोटा कंसेप्ट भी अच्छे से समझना होगा। और क्लास अटेंड करने से यह फायदा होगा कि जब आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएगी। इसलिए जरूरी है कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करें और हर विषय की क्लास को जरूर अटेंड करें। तीसरा पॉइंट से खुद के बनाए हुए नोट से पढ़ाई करें। जी हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खुद के बनाए हुए नोट से ही पढ़ाई करें। आपको इंटरनेट पर अपने सिलेबस के नोट्स आसानी से बने बनाए मिल जाएंगे, लेकिन वो नोट्स सिर्फ आपको एग्ज़ाम में पास करने में हेल्प कर सकता है, आपको टॉपर बनने में नहीं। क्योंकि इंटरनेट पर जो PDF अवेलेबल होते हैं ना, उसमें टॉपिक की पूरी जानकारी नहीं होती है, बल्कि शॉर्टकट मेथड से ये लोग सिलेबस को जल्दी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक टॉपर को सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग सभी टॉपर्स का यही कहना है कि उन्होंने खुद के बनाए हुए नोट से ही सक्सेस हासिल की। अगर कोई स्टूडेंट्स खुद के बनाए हुए नोट से पढ़ाई करता है तो उसे वो सब्जेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। और नोट्स बनाने का यह फ़ायदा होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बुक पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने बनाए हुए नोट्स ही से ही रिवीजन कर सकते हो, और ये आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा सेव करेगा। तो अब आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से ही पढ़ाई करनी है, और आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। अब अगला जो फोर्थ पॉइंट है वो है, हर सब्जेक्ट में अपना बेसिक क्लियर रखें।
जी हाँ, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर रखना होगा। जब आपका बेसिक क्लियर होगा ना, तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा एग्जाम में जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। और बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखा गया है, स्पेशली CBSE बोर्ड में, कि एक ही सवाल को बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जिससे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था, ये सवाल तो कहीं सॉल्व ही नहीं किया। लेकिन वहीं अगर आपका बेसिक क्लियर होगा ना, तो वो कितना भी घुमाकर पूछेगा सवाल को, आप कभी भी सवाल में अटकोगे नहीं, फंसोगे नहीं। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर रखना होगा। अब अगला जो पांचवा पॉइंट है वो है कंटिन्यूअसली रिवीजन। देखिए, आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और आप चैप्टर पे चैप्टर खत्म किए जा रहे हो, लेकिन आप पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो वो चैप्टर कुछ दिन के बाद आपके दिमाग से निकलने लग जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से उस चैप्टर को भूल चुके होंगे। और जब आप दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने जाओगे तो आपको फिर से हर एक टॉपिक को बारीकी से समझना होगा उस चैप्टर में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, आप पीछे का रिविज़न करते रहो। इससे क्या होगा कि आप पर एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और वहीं अगर आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले रिविज़न करना स्टार्ट करते हो, तो आपका रिविज़न कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप जल्दी जल्दी रिविज़न करने के चक्कर में कुछ टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे और आप पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसलिए आप जितना जल्दी रिवीजन स्टार्ट कर दो, आपके लिए उतना फायदा होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारी जानकारी थी कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। डेली रिवीजन करें, रेगुलर क्लास अटेंड करें, हर सब्जेक्ट में अपना बेसिक क्लियर रखें और जितना भी पढ़े इफेक्टिव पढ़े। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।